Don't love too much. Don't trust too much. Don't hope too much. Because this too much may hurt you so much. Namaskar, main hu Dipankar Bhattacharji, aapka dost, aapka hamsafar. Dosto, कभी कभार जिंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि आप विश्वास करके किसी को कुछ बोलेंगे, वो उसी का ही गलत फायदा उठाने लग जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, छोड़िए इसको, हटाते हैं, ठीक है, अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आज मैं आप लोगों से एक परफ्यूम के फॉर्मुलेशन के बारे में डिस्कस करूंगा, एक परफ्यूम का फॉर्मुलेशन आप लोगों को दूंगा, उसका नाम है पाइनएप्पल। लेकिन यह भी मैं आपको बोलता हूं कि इस परफ्यूम के फॉर्मुलेशन पे मैं कुछ एलिमेंट्स आप लोगों को बताऊंगा जो, मतलब उस परफ्यूम बनाने में जो जो केमिकल्स लगेंगे, वो केमिकल्स आप लोगों को किसी भी बाजार पे नहीं मिलेगा, किसी भी दुकान पे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैं उसको डिफरेंट टाइप से आप लोगों के पास आज डिस्क्लोज करूंगा। उसका भी कारण है, क्योंकि आमने सामने देखना है कि कौन जेनुइन है और कौन जेनुइन नहीं है। और हाँ, कुछ मिल जाएंगे, कुछ एलिमेंट्स बताएंगे जो आपको अवेलेबल मिलेगा, लेकिन कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है कुछ एलिमेंट्स का, ठीक है। बाद में आप लोगों को मिल जाएगा, आप मेरे पास आएंगे, मैं उसका पूरा के पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा और मैं ये प्रूफ करूंगा मेरे गुण से, मेरे पढ़ाई से और मेरे पास जो जो किताबें हैं उस किताबों के मदद से कि मैं जेनुइन हूं और मेरे पास क्या क्या नॉलेज है, उससे आप लोगों को क्या क्या मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पाइनएप्पल का फॉर्मुलेशन। मेरा ये छोटा सा बुक है, मतलब एक्सरसाइज बुक, एक खाता है ये। मैं ये फॉर्मुलेशन पूरा का पूरा मेरा नहीं है, ठीक है, मैं मेरे एक सीनियर है जो ही इज नॉट बिलोंग्स टू इंडिया, अभी कुछ देर पहले उनसे बात करके मैंने इसको लिया है। इसमें थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी मेरा भी है और मेरा दोस्त का भी है। आप लोग पहले इन एलिमेंट्स को नोट कर लीजिए। पहला एलिमेंट्स है मैनजानेट, मैनजानेट, MANZANETE, मैनजानेट है 200 ग्राम्स। इथाइल हेपाटानोएट, ETHYL, इथाइल हेपाटानोएट, HEPTANOATE, यू कैन से इट हेप्टानोएट ऑल्सो, हेपाटानोएट और हेप्टानोएट, 200 ग्राम। उसके बाद आता है एलिल साइक्लोहेक्साइल प्रोपिटोनेट, प्रोपियोनेट, एलाइल साइक्लोहेक्साइल प्रोपियोनेट, स्पेलिंग ALYL, एलाइल साइक्लोहेक्साइल, CYCLOHEXYL। उसके बाद प्रोपियोनेट, PROPIONATE, ये आपको लेना पड़ेगा 30 ग्राम। ये तीनों एलिमेंट ले लिया। इसके बाद जो एलिमेंट आता है वो है इथाइल बुटीरेट, इथाइल बुटीरेट, ETHYL, इथाइल बुटीरेट, BUTYRATE, ये आपको लेना है 50 ग्राम। इथाइल बुटीरेट आप लोगों को मिल जाएगा। आगे और भी केमिकल है, उससे पहले
मैं आप लोगों को कुछ बात बोल देना चाहता हूं जो आप फॉलो कीजिए। तो मैंने चार एलिमेंट्स बताए अप टू इथाइल ब्यूटिरेट। ये इथाइल ब्यूटिरेट पाइनएप्पल पे क्यों यूज किया जाता है? ये इथाइल ब्यूटिरेट एग्जैक्ट पाइनएप्पल का महक खुशबू नहीं देता है, ये एक माइल्ड टाइप खुशबू देता है नियरेस्ट टू द परफ्यूम ऑफ पाइनएप्पल, नॉट एग्जैक्ट पाइनएप्पल। और दोस्तों जब भी आप लोग परफ्यूम बनाने जाएंगे उस फॉर्मुलेशन पे जैसे भी सीरियली जो जो एलिमेंट्स दिया हुआ है उसको सीरियली आपको मिलाना है। ऐसा नहीं कि 5 नंबर को 1 नंबर पे लाओ, 1 नंबर को 6 नंबर पे लाओ, नो। तो मैंने जो जो पहले बोला है मैंजानेट, इथाइल हेपाटानोएट, एलिल साइक्लोहेक्साइल प्रोपियोनेट और उसके बाद इथाइल ब्यूटिरेट। तो ये जो पहला वाला 3 एलिमेंट है इसको हमने इसीलिए दिया है कि ये तीनों एलिमेंट मिलाने के बाद, सीरियली मिलाने के बाद जब इथाइल ब्यूटिरेट आएगा ये एग्जैक्ट पाइनएप्पल का तरह हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो पहले आपको तो इथाइल ब्यूटिरेट मिल ही जाएगा मार्केट में, लेकिन ऊपर वाला ये शायद नहीं मिलेगा, मेरे से मिल जाएगा ठीक है लेकिन अभी नहीं मिलेगा, मैं दूंगा भी नहीं ठीक है। तो आप लोग मार्केट से पहले इथाइल ब्यूटिरेट को लेके आना, सूंघ के देखो उसका परफ्यूम, उसका खुशबू, उसका महक कैसा है ठीक है, मेरे पास आओ ठीक है। और मेरे पास जब आओगे अनवांटेड एलिमेंट्स को मत लाना, समझदार हो तो समझ जाओगे। मैं ये जो पहला वाला 3 एलिमेंट है तुम्हारे सामने इस पे मिलाऊंगा, उसके बाद उसका खुशबू देखना। अच्छा, उससे आगे का जो केमिकल है एलिल एमाइल ग्लाइकोलेट, ये 60 ग्राम लेना है। और उसके बाद लास्ट, अच्छा इसका स्पेलिंग AMYLGLYCOLATE ग्लाइकोलेट 60 ग्राम। उसके बाद आता है रिप्स मार्केप्टन, RIBESMERCAPTAN रिप्स मार्केप्टन, ये आपको 10 ग्राम लेना है। ये भी शायद आपको नहीं मिलेगा ठीक है, मिलेगा बाद में मिलेगा, कर देंगे सबके लिए अवेलेबल कर देंगे, अभी नहीं मिलेगा बाद में हर दुकान में मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको बोल दिया। इसके बाद इसके साथ आप लोग 25 ग्राम डीपी ऑयल मिला दो, डीईपी ऑयल, और आप लोग डीपीजी भी मिला सकते हो लेकिन डीपी ऑयल सस्ता रहेगा, मिला सकते हो 25 ग्राम। ये जब बनेगा ये सबसे बढ़िया और अच्छा क्वालिटी का पाइनएप्पल बनेगा, लेकिन ये पाइनएप्पल का परफ्यूम बहुत बहुत ही कॉस्टली बनेगा। तो अब सवाल ये उठता है अगर खुद परफ्यूम बना के इतना कॉस्टिंग आ जाता है तो उसका टेक्निक क्या है, उसका टेक्निक क्या है कि उसका कॉस्ट को कम किया जाए? 2000 रुपया का परफ्यूम को 500 रुपया में कैसे लाया जाए? नहीं बोलूंगा, मेरे पास आना, बातचीत होगा आप लोगों से, उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों को बोलूंगा, बोल देता लेकिन नहीं बोलूंगा ठीक है, ये आप लोग मिस कर रहे हो। अगर आप लोगों को ये फीलिंग होता है कि ये नहीं बोलेगा तो दूसरे जगह पे ले लेंगे, है कुछ लोग, जाओ जाके ले लो, अगर उनका दम है नॉलेज है तो ले लो। ये तो गया पहला बात।
मैंने बोल दिया आप लोगों को पाइनएप्पल का परफ्यूम का एक फॉर्मुलेशन ढूंढ लो जाओ। और एक बात भी मैं आप लोगों को बोलता हूं, दुनिया में कोई भी परफ्यूम हो, मैं स्पेशली अगरबत्ती के परफ्यूम का बात बोल रहा हूं, अगरबत्ती के परफ्यूम का जो कॉस्टिंग है, आप लोग क्वालिटी डिटोरिएट नहीं करके भी उसका कॉस्टिंग कम कर सकते हैं। उसका एक टेक्निक है, ठीक है, उसमें डीपी ऑयल या सुपर ऑयल ये सब नहीं मिलाया जाता कि जिसमें डाइल्यूट होने से वो परफ्यूम पतला बन जाए, उसका पावर कम हो जाए। लेकिन फिर भी है ऐसे कुछ एलिमेंट्स, बता देता, सोचा था बताऊंगा लेकिन नहीं बताऊंगा, ठीक है, कारण कोई और है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं, ये क्या बोलेगा, ये झूठ बोलता है, मतलब दूसरों से उधार करके ये बोलता है ना, ऐसे सोचते हैं, तो इसीलिए ही नहीं बोलूंगा। आप लोग आइए मेरे से मिलिए, मेरा फोन नंबर है 9748160793, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8981905491, ठीक है। जरूरत पड़े तो फोन करिएगा, कभी कभार फोन एंगेज रहता है, मैं उठा नहीं पाता, मैं सारा के सारा दिन बिजी रहता हूँ। मेरा सिर्फ परफ्यूम या अगरबत्ती का ही बिजनेस नहीं है, और भी कुछ बिजनेस है। और दूसरा बात यह है कि मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि मेरा बेंगलोर में भी कुछ मटेरियल बनता है, तो बहुत सारे लोग उसको विश्वास नहीं करते, तो ठीक है, पहले तो ये जो ट्रेनिंग चालू हो रहा है, ये ट्रेनिंग चालू हो जाने दीजिए, उसके बाद कुछ लोगों को हम बेंगलोर भी लेके जाएंगे। हमारा जो जीएसटी नंबर है, जो ट्रांजैक्शन है और जो सेटअप है वो भी दिखाएंगे, और अगर पॉसिबल हुआ ब्रांड का नाम ना डिस्क्लोज करके उसका हम लोग जहां पे टेलीकास्ट भी कर सकते हैं। तो ये तो गया आज का जो टॉपिक है, बता दिया। और भी कुछ बातें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि आगे से और भी बहुत कुछ चीजें मिलने वाली है, और ऐसे भी चीजें मिलने वाली है कि जहां पे 2000 रुपये के परफ्यूम को 300 रुपये तक भी ला सकते हैं, सेंट का क्वालिटी पावर सेम रहेगा। वेट एंड वॉच। और एक तो बात, जो लोग हमारे पास आके ट्रेनिंग लेंगे, ये बात झूठा नहीं है, इसका प्रूफ भी देंगे, अगर प्रूफ ना दिया तो सवाल उठाना जरूर। उन ट्रेनी में से जो लोग अच्छा काम करेंगे, जिसको हम लोग देखेंगे कि उनमें चाहत है, सीखने का चाहत है, बिजनेस करने के लिए बेताब है जो लोग, उनके लिए हम लोग कुछ इन्वेस्ट भी करेंगे। भगवान के दया से, आप लोगों के आशीर्वाद से फाइनेंस और मनी बहुत है, लेकिन चाहता हूं कि उसको सही तरीके से सही जगह पे इन्वेस्ट करूं। तो अगर मैं आप में वो खूबी, वो गुण ढूंढ पाया, तो आप लोगों के लिए मैं 1 करोड़ रुपया तक इन्वेस्ट करने के लिए राजी हूं, ठीक है। ये कोई मतलब क्या बोलेगा, ये कोई डायलॉग नहीं है,
ठीक है, करके दिखाएंगे, जहां पे भी दिखाएंगे करंट अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट भी दिखा देंगे कि हाँ किया है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे और भी कुछ सीक्रेट के साथ, लेकिन कुछ अनवांटेड एलिमेंट के लिए वो सीक्रेट डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं। जाओ उनके पास जाके देखो क्या है, उनके झोली में क्या है और हम लोगों के झोली में क्या है। लेट्स सी एंड वॉच। थैंक यू, गुड नाइट।